हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिटेल सिलेबस एंड कंप्लीट हैंड रिटर्न नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे सो so ये स्पेसिफिक सिलेबस छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है सो so आप छत्तीसगढ़ के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं तो ये एज इट इज सिलेबस आपको देखने को मिलेगा एंड अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं सो so, बीएससी uh, में आपको पता है बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड तीन सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री तीनों का अलग अलग प्रिपेयर करना होगा ठीक है तीनों सब्जेक्ट का तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस जो डिटेल सिलेबस दिया गया है उसको देखते हैं सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पांच यूनिट जो है आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं ये पांच यूनिट है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग जिसमें आपका कोवेलैंड बॉन्ड एंड जो थर्ड यूनिट है ये भी केमिकल बॉन्डिंग है जिसमें आपको आयनिक सॉलिड्स मतलब जो आयनिक बॉन्ड है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है फोर्थ यूनिट है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड फिफ्थ यूनिट है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स फोर्थ यूनिट में आपको नोबेल uh, गैसेस का जो केमिस्ट्री होगा उसको भी आपको पढ़ना होगा सेकंड पार्ट में एंड फिफ्थ यूनिट में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस ठीक है तो इतना जो है टॉपिक्स uh, जो है आपके सिलेबस में दिया गया है बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ठीक है ये आप देख सकते हैं ये आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सिलेबस जो है आपको प्रोवाइड किया गया है आ, ये जो है आपको इंग्लिश में ही ये जो है पूरा सिलेबस दिया गया है आ, लेकिन मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम्स के होते हैं हम इसका आ, हिंदी में जो है सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इसका नोट्स आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मिल जाएगा अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप नोट्स इंग्लिश में आपको मिल जाएगा एंड हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में भी आपको वीडियोस एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे आगे आने वाले वीडियोस में सो तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि Uh, हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ना है एंड कौन सा इंपॉर्टेंट है जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका पूरा कवर uh, हो जाएगा सिलेबस ठीक है तो बेसिकली ये जो uh, ये जो सिलेबस है ये मैंने हिंदी में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट ए है एटॉमिक स्ट्रक्चर सो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इससे रिलेटेड ये जो जितना भी आपका टॉपिक दिया गया है ये इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो आपको मेनली जो कवर करने हैं ठीक है मेनली सिलेबस का जितना भी टॉपिक्स है सब कवर हो जाएगा यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ठीक है तो कौन कौन से टॉपिक्स है यूनिट फर्स्ट से आपका होगा बोर का परमाणु मॉडल ठीक है बोहर्स एटोमिक मॉडल डी डीप्रोगली सिद्धांत हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत तरंग समीकरण जर्स समीकरण का ठीक है, Derivations जो होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है Schrodingers, equations का importance, quantum numbers क्या है, 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 ठीक ठीक ऑर्बिटल, अबहु सिद्धांत तथा एन प्लस एल नियम पाउली का अपवर्जन नियम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक है तो इतना जो है आपका ये uh, फर्स्ट पार्ट में ठीक है यूनिट फर्स्ट के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में इतने टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा साथ ही साथ पूरा इम्पोर्टेंस यहाँ पे आपका हो जाएगा ठीक है इन्हीं टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सो so, आगे आने वाले वीडियोस में हर एक टॉपिक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगा जिसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए नोट्स चाहिए सभी टॉपिक्स को एक साथ आपको नोट्स है ये पीडीएफ फॉर्म में तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिट वाइज ले सकते हैं एंड सब्जेक्ट वाइज भी आप नोट्स ले सकते हैं सो ये हो गया आपका यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए जो पार्ट बी है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है उसमें आपको परमाणु त्रिज्या जो एटॉमिक रेडी क्या है सोजक त्रिज्या रेडियस कोवलेंट रेडियस क्या है धात्विक त्रि, त्रिज्या आवर्त सारणी में परिवर्तन ठीक है आयनन ऊर्जा एवं आयनन विभाव क्या है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक आवर्तिता, इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक विद्युत ठीक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है ठीक है विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक और आवर्तिता ठीक है तो इतना जो है आपको पार्ट बी के लिए इतना टॉपिक्स पढ़ना होगा ठीक है तो ये हो गया आपका यूनिट फर्स्ट कवर ठीक है यूनिट फर्स्ट में ये पूरा सिलेबस जो है आपका कवर हो गया साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सिलेबस में नहीं दिया गया है लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वो सभी जो है आपके कवर हो जाएंगे इतने टॉपिक्स में ठीक है जितना टॉपिक्स मैंने आपको बताया यूनिट फर्स्ट के लिए इतना आपको पढ़ना है जो सेकंड यूनिट है आपका केमिकल बॉन्डिंग जिसमें आपको मेन जो है कोवलैंड uh, बॉन्ड है ठीक है तो इस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड आपके टॉपिक्स है सहसंयोजक बंध जो लुइस धारणा है कोबलेन बॉन्ड क्या है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लुइस धारणा जो है वो पहला टॉपिक है आपका सेकंड है संयोजकता से बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में H2 मॉलिक्यूल का बनना ठीक है इसको हम समझेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट और ये एग्जाम्पल्स के लिए एच टू किस प्रकार बनेगा अतिव्यापन के प्रकार ठीक है एस 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 पी जो ओवरलैपिंग होते है समझेंगे एसपी संक्रमण हाइबिटाइजेशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक एग्जाम्स के लिए एसपी टू संक्रमण एसपी थ्री संक्रमण एसपी थ्री डी एसपी थ्री d2 sp3d3 i जितना भी संकरण हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार है सभी को हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जिसको आप डायरेक्टली अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं इसके अलावा जो आपका टॉपिक है दैट इज uh, वेस्पर थ्योरी ठीक है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जिसे संयोजकता कोस इलेक्ट्रॉन युग में प्रतिकर्षण सिद्धांत कहा जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पता है ठीक है आर्विक कक्षक सिद्धांत मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल डायग्राम ठीक है एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है O2, N2, H2, H2+, He2 molecule, और बहुत सारी मॉलिक्यूल्स का हम जो है एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे इसके अलावा मोलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम एनओ एन सी ओ का भी देखेंगे थीके? तो इतना टॉपिक्स जो है आपको सेकेंड यूनिट के लिए प्रिपेयर करना है ठीक है थर्ड यूनिट है आपका केमिकल बॉन्डिंग जिसमें आपको आइनिक सॉलिड मतलब आइनिक बॉन्ड पढ़ना है इसके अंतर्गत आपका त्रिज अनुपात नियम एवं समन्वय संख्या क्या है एन की संरचना ठीक है जालक दोष क्रिस्टल डिफेक्ट क्या है पॉइंट डिफेक्ट क्या है एंड फ्रेंकल डिफेक्ट ठीक है इसके अलावा नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट अर्ध चालक सेमी कंडक्टर एनपी चालकताबर साइकिल विलाय, विलायकन ऊर्जा सॉल्वेशन एनर्जी क्या है आयनिक ठोसों की विलायता विलायता को प्रभावित करने वाले कारक ध्रुवन क्षमता एवं आयनों की ध्रुवीणता फाइनेंस के नियम फाइनेंस नियम के अनुप्रयोग ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यूनिट थर्ड के लिए ठीक है 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 इसके अलावा यूनिट यूनिट फर्स्ट सॉरी फोर्थ आपका एस ब्लॉक एलिमेंट जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो जनरल प्रॉपर्टीज है ठीक है सामान्य गुण इलेक्ट्रॉनिक इनके जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स के डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कॉम्प्लेक्स संकुलन प्रवृत्ति क्या होता है उनका ठीक है कॉम्प्लेक्सन टेंडेंसी क्या है छात्र धातुओं के संकुल यौगिक ठीक है कॉम्प्लेक्स जो होंगे एल्कली मेटल के एंड क्षारीय मृदा धातुओं का संकुल यौगिक विलायकन प्रवृत्ति एस खंडो तत्व के जैविक तंत्र के कार्य ठीक है लिथियम एवं मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम के विकर्ण सं, संबंध इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड जो पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो तो पार्ट बी है आपका यूनिट यूनिट फोर्थ का

इंपॉर्टेंट है है ठीक ग्रुप थर्टीन ठीक है बोरोन फैमिली कार्बन फैमिली नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो फैमिली है इनकी इलेक्ट्रॉनिक इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डायबोरेन क्या है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेज स्ट्रक्चर ये सब देखेंगे इसके अलावा हाइड्रोजन सेतु संरचना ठीक है क्या है सिलिकेट्स इसके टाइप्स टाइप फुलेरिन्रोजन यूनिट एंड इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है तो इस प्रकार से आपका जो है पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ठीक है तो ये मैंने आपको हिंदी में पूरा जो है सिलेबस बता दिया अच्छे से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके जो है सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे सो so अगर आपको इसका हेरिटेड नोट चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा वहां आपको लिंक्स मिल जाएंगे यूनिट वाइज अगर आपको चाहिए तो हर एक यूनिट का इंडिविजुअल लिंक मिलेगा वहां से आप ले सकते हैं अगर आपको पूरा इन सभी सब्जेक्ट का चाहिए तो उसका भी आपको इन सभी यूनिट का इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी यूनिट्स हैं सभी का एक पीडीएफ में जितना भी नोट्स है आपका एक PDF में मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको जो है मिल जाएगा, तो आप वहां से होगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अगर अभी हिंदी मीडियम के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं इंग्लिश मीडियम्स के लिए भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप इजिली जो है आ, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो so, नोट्स आपको किस प्रकार से मिलेंगे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इस प्रकार से नोट्स आपको यहां पे मिल जाएंगे यहाँ पे आप दिखा देता हूं आपको ये जो है जिस जैसे बोर्ड का परमाणु मॉडल है तो किस प्रकार से आपको बी एग्जाम्स में लिखने हैं ठीक है उस अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाया गया है कम्प्लीट हेडिटेड नोट्स है इस प्रकार आप देख सकते हैं इस प्रकार से हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है ठीक है इस प्रकार के नोट्स आपको हर एक टॉपिक का मिल जाएगा ठीक है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा आप डाउनलोड कर सकते हैं इफ यू नीड सो एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए प्लीज सपोर्ट कीजिए आगे के वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग